वेल हेलो माय फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम उज्जवल कुमार और आप लोग देख रहे हैं यूके गेमर्स यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को पहले बोलना चाहूंगा हैप्पी दीपावली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स को। और आज दिवाली का दिन है और सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे भाई का हैप्पी वाला बर्थडे है। और मैं भाई का सरप्राइजिंग बर्थडे दिवाली बर्थडे नहीं देखा, तो आप उसका मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो जाकर वहाँ से लिंक को खोलिएगा, दबाइएगा और जाकर देख लीजिएगा तो मेरे भाई का जो मैंने डाला। और पहली बात है कि एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, सौरभ शुक्ला नाम का कोई बंदा था, किसी वीडियो में लाइक करके मुझे कमेंट किया था। उसने बोला था कि भाई आप बहुत लेट लेट पर वीडियो डालते हो। मैं बताना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर्स को जो भी है, तो क्या आ रहे हैं कि भाई क्या है कि बहुत टाइम लगता है कोई वीडियो को बनाने में, मेहनत लगता है थोड़ा सा, ये सब चीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द वीडियो डालूँ, क्योंकि कहीं से मुझे सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता दोस्तों, ऐसे कि घर वालों को पता चल जाए कि भाई ये सब करेंगे तो जानते क्या होगा। तो इसी कारण से मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा हूँ, मतलब कि ये सब चीज़ करने, मतलब वीडियो बनाने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, बहुत सारे, मतलब समझ ही रहे हो आप लोग, समझ ही रहे हो कि किस तरह से मैं काम करता हूँ। अभी आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ और रोज़ डालूँ। तो एक बंदा, उसी बंदे ने मुझे कमेंट किया कि आप गेम प्ले का वीडियो कब डालोगे। मैं बहुत जल्द सारा गेम प्ले का वीडियो डालूंगा और बहुत सारे गेम्स के वीडियो बना के रखा हूँ, सब पेंडिंग में, अभी डाला नहीं कोई, जब भी मौका मिलेगा मैं डाल दूंगा। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं दिवाली का सबसे खतरनाक इवेंट आया है, तो भाई सबसे खास दिन है, सबसे सुपर दिवाली है, दिवाली रिवार्ड समरी आया हुआ है भाई लोग, तो भाई फटाखा फूट रहा है और बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिला है, टाइम निकाल के आया हूँ मतलब कि इसके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज, हम फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पिछले बार वीडियोस बहुत लंबे हो गए थे, इस बार मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बना के शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है दिवाली रिवार्ड समरी, तो यहाँ पे लॉगिन फॉर मैजिक क्यूब प्ले 60 मिनट ग्रीटिंग्स इमोट और कॉल बैक रेट ये सब देखेंगे बाद में। पहले यहाँ पे इंक्यूबेटर भी है, 4 नवंबर है भाई, तो भाई के बर्थडे की गिफ्ट में क्या क्या मेरे को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये सब मैंने सुबह ही सुबह मैंने कर लिया था, मैंने सारा दिन मैंने गेम खेल लिया था। तो यह है मेरा बंडल और यह है पिछले बार, पिछले सीजन मैंने मतलब कि दिवाली का स्पेशल सेल चल रहा था, उसी में से मैंने ये बंडल, मतलब ये बैग उठाया था। और इलाइट पास भी मुझे बहुत अच्छा, मतलब कम कम रेट में मुझे मिल गया था, पर वो वीडियो किसी तरह से प्रॉब्लम हो गया, वायरस की वजह से वो मतलब करप्ट हो गया वीडियो। जब भी वो वीडियो रिकवर हो जाएगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख के इन्जॉय करना। क्या करें भाई लोग, मैं लेट से वीडियो डालता हूँ, आप बस वीडियो डाल देना ताकि आप लोग मेरा वीडियो को एंजॉय करो, ज़्यादा भावुक मत होने में वीडियो को लेकर कि भाई इतना लेट में डालते हो। अभी मेरा दिवाली का लास्ट मतलब कि ख़त्म होने वाला इवेंट है, उसी समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या करूँ भाई। और हम सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्लेम डे शुरू करते हैं, तो यहाँ पे मेरा दिवाली के जितना भी आइटम्स को हम लोग क्लेम करने वाले हैं भाई लोग। दिवाली का फटाखा फूट रहे भाई लोग कस कस के, तो यहाँ पे हम आएंगे दिवाली के स्पेशल, सबसे पहले हम लोग आने वाले ये ब्लू बॉल का स्क्रीन लेने वाले हैं भाई लोग, क्या बताऊँगे भाई, क्या मतलब कि यहाँ देख रहे हो भाई, एकदम जैसे लगता है कि इंडियन जैसे कि एकदम इंडिया की तरह इंडियन टाइप का लगता है थोड़ा सा। जैसे कि ये ग्लूबॉल का जब मैंने भाई को परचेज किया था ना, तो ये मतलब कि ये ग्लूबॉल का जो स्किन मैंने देख के हैरान हो गया भाई, तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पुराना टाइप का, प्लस इंडियन टाइप का लग रहा है, मतलब कि देसी लुक लग रहा है ये जो ग्लूबॉल आप देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हॉर्न नॉट ओके प्लीज, मैंने कहीं ट्रक पे हमेशा लिखे देखा है कि हॉर्न ओके प्लीज, तो यहाँ पे लिखा हॉर्न नॉट ओके प्लीज, ये तो बहुत ही ओपी वाली बात है, जैसे लग रहा है कि दिवाली का मतलब इवेंट दिवाली का जैसे कि बनाया है पूरा बढ़िया से, एकदम देसी टेक्सचर लग रहा है भाई, एकदम 3D टाइप लग रहा है। तो मुझे लगा कि ये मतलब कि मैं एक रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ग्लूबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, डायमंड अच्छा खासा आता है, क्योंकि ये तो टॉप ऑफ इवेंट में आ चुका है, तो टॉप ऑफ इवेंट में आ गया तो भाई दोबारा हो सकता है डायमंड इवेंट आएगा, डायमंड इवेंट में आएगा, तो भाई डायमंड इवेंट में जब भी लेना अगर चाहेंगे, मतलब कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इस ग्लू बॉल को लेने के लिए, अगर जो ग्लू बॉल लेना चाहते हैं ये वाला ग्लू बॉल ले सकते हैं डायमंड इवेंट में जब भी आना होगा, क्योंकि ये भाई बहुत रेयर लग रहा है, थोड़ा देखने में नहीं लगता आप लोगों को, बहुत रेयर टाइप का। ये वीडियो बहुत लेट में पोस्ट होगा भाई लोग, तो भाई माफ करना भाई लोग, दिवाली तो कल खत्म हो जाएगा, कल तो दूसरा चीज रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको हम टॉपअप करेंगे सबसे पहले, इसके बाद क्लेम डे शुरू करते हैं दिवाली का क्लेम डे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले टॉपअप मारते हैं, क्या करें भाई करना पड़ता है, यहाँ पे हम टॉपअप करेंगे
250 का 310 डायमंड। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे मेरा देख लिया ना कैसे कर रहा है, मेरा डायमंड का मजाक उड़ा रहा है। और अब सबसे पहले हम यहाँ पे फटाफट हम क्लेम करना शुरू करते हैं, दिवाली में फिर से जाते हैं। अब फिर से यहाँ पे, ओ भाई साहब, मैं ग्लोबल लेने के बहुत ही किया था कि चल यहाँ पे मुझे 80 SC का मुझे मिला है, तो 80 SC का मैं लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं क्लेम कर लेता हूँ, क्लेम कर लिया हूँ और क्लेम करने के बाद इसको ओपन कर ही देता हूँ। ओ भाई देखिए, पर मैंने एक दो एक एक ये क्या है, मतलब कि मुझे पता नहीं क्या निकला इसमें। और ये फाइनली ये ग्लोबल का स्किन भाई, और नॉट ओके प्लीज भाई, अगर लेने का मन है तो ले लेना, अगला जो भी इवेंट आएगा या फ्री भी मिलेगा जब भी मिलेगा भाई, क्या कि ये तो रेयर लग रहा है भाई ग्लोबल। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं, इसको लेना। तो भाई यूट्यूब कर लेते हैं, यूट्यूब हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे खाली क्लेम करेंगे आज, हाँ आज कोई काम नहीं होगा, खाली क्लेम होगा। तो पहला हो चुका हमारे पास ग्लोबल का स्किन हो चुका है। अब दूसरा हम आते हैं, अब हम क्या है क्या करना है, अब यहाँ पे सारे आइटम को हम क्लेम करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भुया का मैंने सब चीज़ लेकर रखा हुआ है, ओके कर दिया हूँ। यहाँ पे भुया भी मुझे सर्फ बोर्ड भी मिल गया है, वो भाई ओपी वाला सर्फ बोर्ड मिला है, बहुत खूबसूरत सर्फ बोर्ड है मैंने देखा है। और यहाँ पर क्लेम करते हैं, क्या लगता है दोस्तों कि मुझे ऑक का स्किन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑक का स्किन नहीं मिला भाई साहब, गंदा वाला खेल खेल देता है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी मिला है। दिवाली पार्टी में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगा ये इमोज, नमस्ते इमोज। ओ भाई मैं चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से तो भाई ये भी बहुत मतलब हो गया। चलिए एक बार और इसको स्क्रीन शॉट दे देते हैं। चलिए ये हो चुका है, हम इसको भी क्लेम कर लेते हैं बहुत जल्दी से। ओ भाई साहब क्या मज़ेदार क्लेम हो चुका है, ये मेरा इमोज मेरा फूल है, लेकिन मैं इसको बात करूँगा भाई। दिवाली पटाखे बहुत कसकस के फूट रहे हैं भाई लोग। ये गोटू में जाऊंगा और यहाँ पे ये मुन्ना भाई वाला MBBS वाला मुझे ये बंडल लेने वाला हूँ, आप लोगों के सामने पहना के दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं क्लेम करने वाला हूँ, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैंने कितना मस्त कलर किया, अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना। इस कलर मैंने कोई खास तो कलर नहीं किया, बस किसी तरह से बस मैं इसको मुन्ना भाई वाला को क्लेम कर लिया हूँ। ओ भाई साहब क्या देसी गैंग स्टार, देखिए देसी बॉयज देसी गेमर है। तो चलिए ये भी क्लेम हो चुका है। अभी क्या है कि कल एक दोस्त आया था, वो भी कुर्ता पैजामा चश्मा पहन गया, बस उसके पास एक चीज नहीं था, चेन नहीं था गले में, नहीं तो पक्का मतलब कि गैंगस्टर लगता है, मतलब कि मुन्ना भाई सर की। तो वही हम पूछे थे कि भाई क्या पहन के आ गए, यही कुर्ता पैजामा है और क्या। तो भाई ये क्लेम हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं दिवाली में एक नया लेजेंडरी गन हम लेने जा रहे हैं, समझे ना दोस्तों, तो मस्त वाला लेजेंडरी गन होगा, बहुत ही मजा आने वाला है लेजेंडरी गन में। और यहाँ पे मैं सबको क्लेम करने वाला हूँ भाई, एकदम लैंड बाय लैंड क्लेम करूँगा। अभी क्या है नहीं जाएगी, सब मेरे पास था दोस्तों, ये सब मेरे पास है। तो यहाँ पे ये परमानेंट मुझे मिल चुका है M14 हंटर, तो इसको भी मैं क्लेम कर लेता, परमानेंट है ये, तो आप लोगों को मिल चुका होगा, क्लेम कर लिया। क्योंकि वीडियो लेट में डलाएगा तो भाई लोग माफ़ करना। अभी कल ये मुझे बेलन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक दिन लॉगिन मिस कर दिया था, तो आप लोग समझ ही रहे हो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। जब मैं एक दिन का मैं गेम लॉगिन मिस कर सकता हूँ तो वीडियो बनाना तो दूर की बात है दोस्तों, तो इसी तरह से बहुत मुश्किल होता है। बस आप लोग तो मुझे सपोर्ट करते रहना, और सपोर्ट करोगे तब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हो ना कि भाई एक दिन का लॉगिन छूट गया, नहीं तो कल ही मुझे मिल जाता, लेकिन आज ही मुझे मिल जाता, आज 4 तारीख है तो आज ही मुझे सबको मिल चुका, मेरे भाई को ही मिल चुका, लेकिन मेरे को कल मिलेगा, कल 5 तारीख है तो कल मुझे ये बेलन मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, कल ही के ले लूँगा, अब समझ ही गए कैसा दिखता है। तो यहाँ पे पोर्टल में जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे एक सबसे महान चीज़ लेने जा रहा हूँ, सबसे बढ़िया चीज़ लेने जा रहा हूँ। मैंने बहुत डिसाइड किया कि कौन सा गन स्किन लेना सही रहेगा, यहाँ पे गन स्किन ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे भाई साहब क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ पे रॉकी, पहले जब हमको रॉकी पेट की ज़रूरत था तो डायमंड में डायमंड दे रहा था, और अभी देखिए फोकट में दे रहा है, एकदम फोकट में दे रहा है, एकदम क्या मतलब है। तो अब हम यहाँ पे मेरे पास ये फ्लामांस वारियर्स स्प्रिंट है मेरे पास दोस्तों, UMP का आर्ट ऑफ वार नहीं है, तो मैं UMP उठाऊंगा यहाँ से,
ठीक है, मैं क्लेम कर लेता पहले यहाँ पे फोटो स्क्रीनशॉट लिया जाए। और यहाँ पे मैं क्लेम कर लिया आर्ट ऑफ वार को, ये देखिए आर्ट ऑफ वार मेरे हाथ में आ गया है, बहुत अच्छा गाना ये मैंने देखा है। अब यहाँ पे मैं कौन सा पेट हूँ, अब मुझे सोचना है कि M4A1 का बहुत सारा स्किन हो चुका है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे M60 को क्रिसमोन रेड उठा लेता हूँ, यहाँ पर है इसको क्लेम कर लेता हूँ, इसको टिक लगा दिया हूँ। यहाँ पे मेरा M60 क्रिमसन रेड है, सॉरी गलती हो गया, M60 क्रिमसन रेड है, तो ये मेरा पास बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है, 30-30 का डैमेज देता है और हेड पे लगता तो 90-80 तक जाता है, अच्छा खासा गन M60 मिला है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसको भी क्लेम कर लिया जाए। और इसमें से मैं कौन सा पेट लूँ, मेरे पास तो सारे पेट्स है भाई, अब क्या करूँ कौन सा पेट लूँ, सिवा तो है मेरे पास ये भी है, रॉकी है, पैंडा है, ओडेरो है, सब तो मुझे मिले ही था, तो कौन सा पेट लूँ क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आया। सॉरी आटा, इसको हम बाद में ध्यान देंगे, तो कोई भी पेट हम पास तो सारे पेट अवेलेबल है, अगर नहीं विश्वास हो रहा तो मैं दिखा दूंगा। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं, ये सब नहीं देखना भाई, अब यहाँ पे आते हैं मैजिक क्यूब नो भाई साहब, तो मैजिक क्यूब सबसे रेयर आइटम है भाई, इसको भी स्क्रीनशॉट भाई, 4 नवंबर का भाई का बर्थडे है भाई, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ये 24 घंटा के अंदर मुझे मैजिक क्यूब मिलेगा। और आप लोग सोच रहे हैं कि भाई कौन सा मैजिक क्यूब का मतलब बंडल उठाने वाला है, या यही सोच रहे होंगे ना आप लोग, देखो मैं सिंपल सा उठाने वाला हूँ। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे किल चोर का जो आया था, किल चोरी ये चला था सदा कपूर बाबा खान के बीच में, मतलब इवेंट चला था, यहाँ पे मैंने क्लेम नहीं किया था, बस कल ही मैंने रिडीम किया था, और यहाँ पे मैंने सारा क्लेम करने वाला, खाली क्लेम डे हो रहा है दोस्तों। देखिए भाई साहब M60 का मस्त वाला गन मिला है हम पर, किल स्पार्क सिनो गोई, ठीक है, तो ये मुझे मिल चुका है परमानेंटली, अच्छा खासा रेट ऑफ फायर, आर्मर प्रोटेक्शन भी है, बहुत अच्छी है। गन ओपन कर दिया हूँ और यहाँ पे मेरा ये लड़की का बंडल भी खुल चुका है, तो यहाँ पे बंडल भी पहना दिया हूँ। तो अब हम आते हैं, अब क्या लिया जाए, अब क्या करूँ, हाँ एक चीज़ और लेने वाला हूँ दोस्तों, एक चीज़ मस्त चीज़ लेने वाला हूँ, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ और, मैं सबसे और एक आइटम लेने जा रहा हूँ जिसका नाम है करेक्टर में आऊँगा। तो अभी सुनने में आया कि सारा करेक्टर पॉकेट फंडी में दे रहा है, मतलब कि पॉकेट फंडी बोल रहा हूँ, ये अलवारो आई कैन वेट फॉर एवरीवन, ऑब्टेन कर लेता हूँ उसको गोल्ड से भाई लोग, काहे कि सारे करेक्टर, कैन यू फील द बर्न ऑफ डिजायर, यहाँ पे सारे करेक्टर गोल्ड में थे दोस्तों। देखो मेरा दोस्त का आईडी था, मुझे फोन करके बोला कि भाई सारा करेक्टर गोल्ड में मिल रहा है, लूट ले। भाई लूटना क्या, सब तो लूटा हुआ, एक आखिरी करेक्टर है दोस्तों मेरे पास, वो भाई साहब कितना अच्छी बात है कि मेरे पास आखिरी करेक्टर है, बहुत ही मतलब कि मेरा मतलब कि 2 साल से मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, 2019 से खेल रहा हूँ, तो सोचिए मेरे पास सारे करेक्टर हो चुका, अभी जो करेक्टर है उसको मैं हो सकता है टॉपअप में लूँगा या तो ऐसे फ्री फंड में मिलेगा ही, तो जितना ही पैसिव करेक्टर है सबको है ना, करेक्टर है सबको पॉइंट में दे रहा है, तो मैं इसको खरीदने जा रहा हूँ दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ओपी वाला सारा करेक्टर कम्प्लीट हो चुका है और मैं इसको परचेज करने जा रहा हूँ, गोल्ड से लूँगा, गोल्ड से डायमंड में दिखा। ओ भाई साहब जैसे बर्न ऑफ डिजायर, मैंने पिछले बार बोला था मेरे पास अलवारो नहीं है, बाकी सारे करेक्टर है, अब मैं इसको इक्विप कर लूं। कैन यू फील द बर्न, बूम, आई एम एक्सप्लोसिव, हाँ भाई नाम एक्सप्लोसिव, नाम दिवाली की तरह बज रहा है ना, उसी तरह से ही है, बताया था दोस्तों क्या इसका किस्मत देखी, दिवाली के दिन में खुद एक्सप्लोसिव करने वाला आदमी ही मुझे मिला, देखिए दिवाली के दिन दिवाला निकालने वाला आदमी मिल गया, क्या ही मतलब मजा आएगी। देखिए भाई लोग यहाँ पे मेरे सारे करेक्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे सारे करेक्टर हो चुके हैं, ये 2 वो करेक्टर जो आने वाले हैं, हो सकता है टॉपअप इवेंट में आएंगे आई थिंक, बट देख लीजिए, यू कैन वॉच, देखना क्या बूम आई एम एक्सप्लोसिव, बूम आई एम एक्सप्लोसिव। अब हम क्या करने, अब हम क्या करें, सॉरी अब हम क्या करने वाले हैं, स्टोर पे जाकर देखते हैं, सारे करेक्टर को क्लेम कर लिया हूँ, डेली स्पेशल में भी कुछ है नहीं, यहाँ पे फ्री है इसको भी मैं बोलूँगा नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब बस सारा करेक्टर मैंने सारा चीज़ को मैंने फटाफट क्लेम कर लिया, अगर वेपन दिखा देता हूँ आप सबको, वेपन में मतलब कि यहाँ पे मैं अभी इमोट दिखा देता हूँ, एक इमोट है जो कौन सा इमोट हटाऊँ, ये इमोट हटा देता हूँ, ये नमस्ते इमोट लगा देता हूँ, अपना देसी नमस्ते, देसी कल्चरल इमोट, हाँ जी भाई कहाँ गया भाई कहाँ गया, या ये भाई साहब कितना मतलब अच्छा लग रहा है देख के, बूम आई एम एक्सप्लोसिव, ये यहाँ पे नमस्ते करते हुए दिखा रहा है, बहुत ओपी वाला इमोट है भाई, नहीं मिला तो भाई तो लक है, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा गन बहुत मुश्किल मिलना,
यहाँ पे भी है मेरा M60 का, वो भाई साहब रेट ऑफ फायर डबल है, रेंज भी अच्छा खासा है, देख रहे भाई लोग कितना मस्त गन है, बहुत दम दे चला है कि ईवो गन है। चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक है, ईवो गन नहीं है, सिंपल गन है। और यहाँ पे आर्ट ऑफ ये सबसे पुराना गन है भाई लोग, जहाँ देख सकते कि सबसे पुराना गन, लेजेंडरी गन दिया गया है। और ये भी मैंने इसको इक्विप करे क्योंकि डैमेज और रेट ऑफ फायर डबल है, बहुत खूबसूरत गन है। और यहाँ पे मेरा लेवल 2 ही है अभी तक भाई लोग, तो देख सकते हो यह भी लेवल 2 ही हुआ अभी तक। यहाँ पे मैक्स 7 मुझे मिल चुका है, देखा ही होगा आप लोगों ने, दिवाली के बम बढ़ा रही हो रहा है भाई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास सारा कलेक्शन है। यहाँ पे M4A1 का गन स्किन आया था, तो मैंने उसकी वीडियो बनाया था कैसे कैसे क्लेम किया और क्या क्या मैंने लिया, बट क्या हुआ कि वीडियो किसी तरह से करप्ट हो गया था। उसी टाइम मैंने सब कुछ किया था, उसी टाइम मैंने लाइट पास सेलिंग चल रहा था कि लाइट पास भी दे रहा था, सारा चीज़ें मैंने वीडियो बनाया था। 41 सीजन का लाइट पास मैंने लिया था, ये 41-2 है, ये सीजन 42 चल रहा है ये लाइट पास, तो ये सीजन 42 चल रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि लाइट पास मैं लूँगा, ज़रूर लूँगा ये लाइट पास, बट आने दीजिए, कोई वो आता है ना क्या कहते मिस्ट्री शॉप आएगा तभी मैं लूँगा, ऐसे तो मैं बिना मतलब का डायमंड खर्च नहीं करता हूँ। बस यहाँ पे बताऊँ देता हूँ कि ग्लूबल का स्किन देख लीजिए आप लोग भाई लोग, यहाँ पे भी ग्लूबल का स्किन, मस्त वाला ग्लूबल का स्किन आ चुका है रेड पे ग्लूबल। ओ भाई साहब यहाँ पे दिखा हुआ हॉट नॉट ओके प्लीज, और मत देना। चलिए तो यहाँ पे मेरे सारे करेक्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और भी आइटम्स को मैं देख लेता हूँ, और भी क्या क्लेम करना बाकी है भाई लोग जो है बता दीजिए ताकि भाई सॉरी खांसी हो गया भाई, क्या करें, झाड़ झूड़ करने का चलते हैं ना, खांसी हो गया। वो जो रॉकी पेट वाला ये बेलन मुझे कल मिलेगा भाई लोग, लेजेंडरी गन मुझे मिलेगा कल। तो सारे चीज़ हो चुके हैं, यहाँ पर मेरे सारे क्लेम वगैरह कर लिए हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग। दिवाली लाइट्स और मैजिक क्यूब भी मैंने लिया। हाँ एक चीज़ और लेना है, तो वो है मैजिक क्यूब से बंडल उठाना है ना दोस्तों, अच्छा याद दिलाया आप लोगों ने। तो चलिए हम लोग अब मैजिक क्यूब से बंडल उठाने वाले हैं, तो बहुत सारे बंडल है भाई लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मेरे को जो दिल करे मैं वही उठाऊंगा। बहुत सारे बंडल है, कन्फ्यूजन बहुत है कि कौन सा लें कौन सा लें। ये तो भाई जेसी गेमर वाला जैकेट है, मैं जानता हूँ, ये मेरे भाई ने उठाया था, ये वाला बंडल मेरे भाई ने उठा लिया था। और बताना चाहूँगा मैं भाई का शॉकिंग सरप्राइज कैसा रहा है, आप लोग सोच रहे हैं कि भाई शॉकिंग सरप्राइज कैसा रहा, बहुत ही खतरनाक रहा। उसने ही आते ही मैंने सुबह ही सुबह मुझे कहा कि भैया मुझे जल्दी से क्लियर करना होगा। मैंने सोचा था कि उसको इमोट वगैरह सब देख के क्लेम करवा दूंगा, लेकिन इमोट उमोट सब मैंने कंप्लीट कर ही दिया था लगले, बट एक चीज़ हो गया था कि मैंने उसका मतलब कि मैजिक क्यूब नहीं ले पाया, तो वो अपने से मैजिक क्यूब लिया और इसने ये वाला बंडल उठाया और ये बैंडिट बंडल उठाया जो सबसे ओपी है। लेकिन सब तो बहुत लोग, मेरे एक दोस्त ने पता नहीं क्या उठाया, जो भी उठाया हुआ बहुत अच्छा ही उठाया हुआ, कहे कि भाई क्या ही बोलूँ भाई, इतना पुराना बंडल है आया हुआ है। ये सब मेरे पास है, देखिए ये मेरे पास ये ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे सब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, ये भी ऑन लिखा हुआ है। ये सब मुझे एक ही दो ही तीन मतलब कि डायमंड रॉयल वाउचर से मुझे निकला है, ये भी मतलब निकला था एक, ये शायद मैंने मैजिक क्यूब से उठाया था जब मैजिक क्यूब दे रहा था पिछले बार। नाइट क्लोन सोच रहा हूँ उठा लूँ, लेकिन मेरे को अपने को तो लेना है भाई, वो क्या कहते हैं ये, मैंने पूरा डिजाइन किया कि मेरे पास तीन वो मैजिक क्यूब है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 मैजिक क्यूब हो, और 3 मैजिक क्यूब के हिसाब से मैं नट क्रैकर ही लूँगा, क्योंकि सबसे बेस्ट ये लगता है जोकर जैसा नट क्रैकर है भाई, क्योंकि मैं नट क्रैकर खूब खाता हूँ, आप लोगों ने शायद देखा होगा या खाया भी होगा नट क्रैकर। नट क्रैकर एक बादाम है जो बेसन से बनाया रहता है, बेसन के अंदर में पैक मतलब रहता है, प्लास्टिक के अंदर पैक रहता है वो, आप खाए होंगे नट क्रैकर, तो मैं नट क्रैकर ही लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब यहाँ पे मैं एक्सचेंज करने जा रहा हूँ। वो भाई मेरा एक हो गया मैजिक क्यूब, ओ भाई साहब क्या ही मजा आएगा, कांग्रेचुलेशन, बड़ा स्टाइल में लिखाया है। और यहाँ पे मेरा नट क्रैकर खुल चुका है, और ये जोकर स्टाइल में बम खुलासा करेंगे नट क्रैकर, यही दिवाली इवेंट है मेरा भाई, देखो ना दिवाली की तरह लग रहा फुलझड़ी है, रॉकेट की तरह बना हुआ है, जैसे लग रहा है कि एकदम रॉकेट बना हुआ है, रॉकेट के जैसा शेप किया हुआ है, मतलब फटाखा फूटेगा, देखिए बम भी डाल रहा है तो जैसे कि एकदम समझ लीजिए कि एकदम क्या ही बोलूँ, मजा आ गया भाई। तो चलिए इसको ओके कर लिया जाए, और इसको इक्विप कर लिया जाए, ओपन कर ही देता हूँ लगल, और लगल हाथ ओपन हो गल बिहारी भाषा।
और यहाँ पे मेरा ये खुल चुका है। ओ भाई साहब मस्त वाला मस्त लग रहा है भाई, मेरे को तो बहुत मजा आ गया भाई। Boom! I'm explosive! भाई भाई बहुत बोलता है। चलिए ये हो चुका है, और भी कोई पेट है तो वो पेट, मेरा सारे पेट मैं पेट दिखाना चाहूंगा, पेट सेक्शन दिखा देता हूँ। मेरे सारे पेट कम्प्लीट है सिवाय ये को छोड़ के, मैं दो तीन तीन पेट नहीं मेरे पास, एक पेट दो तीन चार पाँच सिवा भी मिल गया था, ये नहीं मिला था भाई, ये मुझे मिल जाता तो बहुत सुंदर लगता, और टेरो भी मुझे मिल ही गया था, और ये रॉकी पेट भाई कितना दिमाग खराब हो गया। मुनी पेट नहीं मिला मेरे को, ये पेट मैंने नहीं लिया, ये सभी फ्री में मिलता है, ये वाला ही पेट तो भाई देखने की आप लोगों ने डायमंड खर्चा करके मैंने निकाला है। आप लोगों ने हो सकता है कि मेरा वो वीडियो देख ही लिया होगा, क्या कहते हैं कोबरा बंडल मैंने कैसे निकाला, वो वीडियो थोड़ा लंबा था तो कोई बात नहीं। बूम आई एम एक्सप्लोसिव। अभी एक लड़की का बंडल भी दिखा देता हूँ मैं, लड़की Boom! का I'm explosive! लड़की का बंडल मैं भाई का तो फुल ही शौक था कि भाई इसके आईडी में हुआ क्या, कि कैसे हुआ सब, पूरा सोच में पड़ गया था कि भैया कैसे किया आपने, कैसे किया आपने, मतलब कहाँ से हुआ ये सब, कैसे हुआ। आज वो मन भर गेम मतलब कि खेला है आपका बर्थडे के टाइम, आप समझ ही रहोगे किस तरह से खेला है। लड़की का बंडल कहाँ गया, यही है लड़की का बंडल, कोई खास ठीक ठाक है इतना अच्छा तो ये है। मेल नहीं खा रहा है, मेल नहीं खा रहा है तो यह चलिए भी ठीक है। ये मैंने इलाइट पास लिया था पिछले बार, उसका है पिछले इवेंट में मैंने इलाइट पास लिया था 41 सीजन का, 42 सीजन का भी मैं इलाइट पास लेने जा ले लूंगा दोस्तों बहुत जल्द। तो फिलहाल के लिए अभी मैं एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा, अभी मैं एडम चाचा को नहीं लूंगा मैं, इसी को मैं तो ये कोबरा वाला है भाई, एडम चाचा को ही ले लूंगा कि ये सब बोलते बोलते नहीं, ये सब शांति से बैठे रहते हैं। चलिए मैगजीन पे ही ट्राई करते हैं, अब मैं इसको निकालूंगा गैंग स्टार बंडल, मैगजीन गैंग स्टार बंडल यहाँ, अब फैशन में जाऊंगा, फैशन में जाने के बाद गैंग स्टार बंडल कहाँ गया, गैंग स्टार कहाँ चला गया गैंग स्टार बंडल, वो अच्छा बंडल में, सॉरी बंडल में भाई, बंडल में देखो भाई बंडल में आ गया ये गैंग स्टार बंडल, इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ भाई। चलिए ओ भाई साहब अब मैं देसी गैंग स्टार बन गया हूँ दोस्तों, ये लड़की का बंडल अभी भी पड़ा हुआ है। ओ भाई क्या ही लग रहा है भाई, दम सही में भाई दिवाली माँ कसम मजा आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है। तो भाई फाइनली मैंने ये ले लिया है, तो भाई ये नमस्ते कर रहा है आप सभी लोगों को, हैप्पी दिवाली। और क्या लें भाई, मेरे पास सारे करेक्टर हो गए, सारे आइटम मेरे पास हो चुके हैं दोस्तों। तो भाई वीडियो कैसा लगा भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो थोड़ा लेट से डालने वाला हूँ, कहीं की आप लोग समझ ही रहे हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा, तो बस इसी तरह से आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट बनाए रखना, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो नए भाई लोग सब्सक्राइब कर दो, जो पुराने हैं वो लाइक एंड शेयर करो, और कमेंट करके हमें बताओ कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो मैं वीडियो और तरह का डालूंगा, उस बंदे ने कहा था भाई गेम प्ले का वीडियो डालने के लिए, लेकिन मैं गेम प्ले का वीडियो डालूंगा, सारा गेम प्ले का वीडियो बना के रखा, बस डालने का देरी है दोस्तों, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सारा वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल अभी
दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।